जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो सीरीज चला रहे हैं उसका फिफ्थ सेट होगा, सेट नंबर 5 कह लीजिए। और यह आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है जो कि 13 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में हुआ था। ये जो हिंदी का सेट है यह आपको सभी एग्जाम में, चाहे आपका सीआरपीएफ का एग्जाम हो, सीआईएसएफ का एग्जाम हो, बीएसएफ का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, एनआईए हो, आईटीबीपी हो या फिर और भी अन्य एग्जाम हो, यदि आप हिंदी करते हैं तो आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस सेट को लगाने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। कांस्टेबल, ट्रेडमैन एवं हेड कांस्टेबल, इन सभी के एग्जाम में आप प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और ये सारे सभी लेटेस्ट सेट हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में हुए हैं, तो इससे आपको सभी आंकड़ा मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको 25 प्रश्न कराऊंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। और एक बात और बता दूं कि आप सभी के लिए मॉक टेस्ट जो कि लाइव है, ऑनलाइन होता है, जैसे आप वीडियो देख लिए उसके बाद यदि मॉक टेस्ट उसका लगाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, आप जाकर वहां से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या फिर आप यहां पर भी हमें बता सकते हैं कि वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए 76 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। देखिए ज्वर मतलब क्या होता है? बुखार। बुखार के कारण मुझे चलने पर पीड़ा हो रही है या थकावट, दो ही चीज हो सकता है, या तो पीड़ा, पीड़ा मतलब दुख होता है, या फिर थकावट हो रही है ना। यहाँ पर इन दोनों में से एक दिया गया है, थकावट दिया गया है, तो 76 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 77 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। क्या दिया गया है? जिसका कोई नाथ ना हो, तो जिसका कोई नहीं होता है उसको अनाथ कहा जाता है, ठीक है। यहां आपके बी में ऑलरेडी दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 77 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा, है ना, ये सभी लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। और यहाँ पर हिंदुत्व दिया गया है, तो हिंदुत्व लिखने का जो तरीका है वह देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ह हर्षिकार, न द संयुक्त, हर्षुकार त व, ठीक है। ये हर्षुकार होना चाहिए, यहाँ पर ये दीर्घोकार कर दिया इसलिए यह गलत हो गया, वरना इस न को हम ऊपर लेकर ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदुत्व, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो आप ऐसे लिखिए या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही तरीका है वह 78 के ए में दिया गया है, इसलिए 78 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 79 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? दादाजी को बागवानी में डैश है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, सो, प्रश्न, रुचि और नियम, बताइए क्या बोलेंगे? दादाजी को बागवानी में रुचि है ना, उनको वो चीज करने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये हो जाएगा आपका रुचि, सी वाला, तो 79 का सी उत्तर हो गया। कहीं कहीं पर अभिरुचि भी देखने को मिलता है, रुचि या अभिरुचि, इन दोनों का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 80 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित या फिर रंगीन पद को या शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। यहाँ पर हजारों नहीं होगा, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, यहाँ पर हजार होना चाहिए था, तो हजार ढूंढिए, यहाँ पर हजारों दिया गया है, ये गलत है, हजार दिया गया है, में बिक गई बिल्कुल सही है, 10,000 में बिक गए, गए गलत हो जाएगा, दसों हजार में, तो दसों गलत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से गलतियां आपको पकड़नी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए डी का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है 81, कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करना। शब्द क्या दिया गया है? समुद्र, तो समुद्र का क्या शब्द हो जाता है? देखिए समुद्र का सागर, पयोधि, परावार, नदीस, उदधि और भी बहुत सारे हैं। तो क्या कोई ऑप्शन दिया गया है? यहां पर देखिए पयोधि दिया गया है ना,
ये मैच करता है यहां पर, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 81 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 दिया गया है, कुएं का मेढक। ये किसको कहा जाता है? कुएं का मेढक कहने का मतलब है कि कुआं में यदि कोई मेढक है तो उसको लगेगा कि यही दुनिया सबसे बड़ी है, इतनी सी दुनिया, जबकि दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके लिए ये चार दीवारी सीमित हो गई ना, तो सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति जो है वह कहलाता है कुएं का मेढक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 82 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, सीमित ज्ञान वाला। यदि आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, तो मनुष्य की सोच में वृद्धि होती रहती है, लेकिन वहीं पर यदि पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसकी सोच में वृद्धि नहीं होती है, तो वह कुएं का मेढक कहलाता है। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो वह उसी पर खुश हो जाता है ना। तो यही चीज यहां पर दी गई है कि कुएं का मेढक होना अर्थात सीमित ज्ञान वाला होना। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। 83rd दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। क्या दिया गया है, जिसे जाना ना जा सके। तो वैसे व्यक्ति जिसे नहीं जाना जा सकता है वह कहलाता है अज्ञ। अज्ञ ढूंढिए, ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञ आपके सी में दिया गया है, तो 83rd का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला पद देखिए, दिया गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहां पर दिया गया है उदय, तो उदय का क्या हो जाएगा, अस्त। आप देखना सूर्योदय होता है, सूर्योदय, सूर्य जोर उदय क्या होता है, सूर्य जोर उदय तो हो जाता है आपका सूर्योदय, है ना। तो सूर्य का उगना, उदय मतलब उगना और अस्त मतलब डूब जाना। ठीक है, यदि यहां पर देखिए उत्तर का कहें तो प्रश्न का उत्तर होता है, वाचाल तो मूक का वाचाल हो जाता है, और निरस्त यह पारित का, ठीक है, यह इसका विलोम हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको गाद्यांश दिया गया है, और इस गाद्यांश को पढ़कर हमें नीचे वाले ऑप्शन से इसे भरना होता है। क्या दिया गया है, सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डैश होती है, बलवान, दुर्बल, समाज, निंदा। जल्दी से बताइए, यदि आप सत्य बोलते हो तो आपको कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हो, जल्दी बताओ। आप अपने आप को बलवान महसूस करते हो, वहां पर किसी भी प्रकार की दुर्बलता या नकारात्मक सोच आपके दिमाग में नहीं आता है, आप वहां पर अपने आप को बलवान पाते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, बलवान होती है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, 85 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, बलवान। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होता है, सुख के साथ हमेशा शांति का प्रयोग होता है। ठीक है, सुख और शांति की प्राप्ति होती है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, शांति ना, शांति देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 86 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब अगला देख लीजिए, थर्ड क्या दिया गया है, सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि उसकी डैश खुल गई तो। क्या खोलते हैं आप बताइए, जब दोस्त झूठ बोलता है तो उसकी पोल खोली जाती है, सारी रामायण, ठीक है, कि उसने क्या किया, क्या कांड किया है, तो उसको पोल कहा जाता है। तो यहां पर क्या है कि सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि उसकी डैश खुल गई, उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, वह सत्य बोल रहा है और सत्य बोलने वालों का कोई पोल नहीं होता। समझ गए, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, 87 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देख लेते हैं, क्या दिया गया है, इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डैश होती रहती है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो व्यक्ति चोरी करता है, जो व्यक्ति दूसरे को तंग करता है, उसकी निंदा की जाती है, निंदा की जाती है, बुराइयां की जाती है। समझ गए, तो 88 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, प्रशंसा का पात्र बनना है, निंदा का पात्र कभी नहीं बनना है। समझ गए, प्रण लीजिए मन में, अच्छे काम करेंगे और प्रशंसा का पात्र बनेंगे आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी है, इसमें क्या दिया गया है, असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता,
देखिए, जो असत्यवादी व्यक्ति है वह हमेशा झूठ ही बोलता रहता है, वह कभी भी सत्य नहीं बोलेगा, उसके मुख से कभी भी सत्य वचन नहीं निकल पाता है। तो सत्य आपको ढूंढना है, देखिए बी में दिया गया है, तो 89 का बी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाद्यांश से आपको 5 नंबर पक्के मिलने हैं प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है, इसकी तैयारी पूर्ण रखना है आपको। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 90 दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहां पर दिया गया है डैश चैन से रहना चाहता हूं, जैसे मैं कहीं से आया मुझे शांति चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं चैन से रहना चाहता हूं, मैं शांति से रहना चाहता हूं, मुझे परेशान मत करो, क्योंकि यहां पर हूं का प्रयोग किया गया है। यदि वह का प्रयोग होता तो क्या बनता सेंटेंस, वह चैन से रहना चाहता है ना, ये प्रयोग होता। यदि हूं का प्रयोग किया गया है तो वहां आगे मैं लगेगा, ठीक है, तो वह के लिए चाहता है हो जाएगा आप चैन से रहना चाहते हैं हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा तुम चैन से रहना चाहते हो। देखिए किस किस प्रकार से यदि सर्वनाम बदलता है तो फिर आपके क्रिया में भी इस प्रकार से परिवर्तन होता है, और इसी से अशुद्धियां भी निकाली जाती है। आप जब वाक्यों में अशुद्धियां निकालते हो तो वह आपके संज्ञा सर्वनाम, जो कि मैं क्लासेस करवा रहा हूं और संज्ञा तक हो चुका है तो वो भी होगा, तो उससे निकाला जाता है ना। देख लीजिए सभी चीज आपस में जुड़े हुए हैं, समझ गए, तो इसलिए सभी ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। फिलहाल यहां पर आते हैं, 90 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, मैं चैन से रहना चाहता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 91 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है, डैश ने अपना घोंसला बनाया। यहां पर दिया गया है चीता, शेर, कबूतर, हाथी, मुझे ये बताइए घोंसला में कौन रहता है, घोंसला में पक्षी रहते हैं, ठीक है, और यहां पर पक्षी वर्ग का कौन है, चीता, शेर और हाथी, ये तो जानवर में आ गए जो कि दूसरे के बनाए घर में रहते हैं, और पक्षी जो कि कबूतर है तो वह घोंसले में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर 91 का सी उत्तर हो जाएगा, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम नंबर इस पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम नंबर है 7979946092। अभी नए जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सब प्रोवाइड की जा रही है, नए प्रैक्टिस सेट्स 15 सेट का दाम है ₹30 और 20 सेट का दाम है ₹35। यदि दोनों सेट साथ में लेते हो तो ₹50 आपको चार्ज पड़ेगी, ठीक है, यदि दोनों सेट ले रहे हो साथ में। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए है, बाकी चीजें आप डिटेल्स पूछ सकते हो वहां पर। और ये 15 सेट अरिहंत वाले होंगे, और ये जो 20 सेट हैं ये किरण वाले होंगे, जो कि नए नए पैटर्न पे आधारित हैं, आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगा, और PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पर मैसेज करेंगे तो चीजें आपको अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। फोन कॉल नहीं, फोन कॉल करोगे ऑफिस में बिजी होने की वजह से फोन नहीं भी उठाया जाएगा, लेकिन यदि आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो तो आपको उसका रिप्लाई 100% आएगा, 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा यदि आप टेलीग्राम नंबर पर मैसेज करते हो तो, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 दिया गया है, तलवार सिर पर लटकी रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए जब आपके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है तो बोला जाता है तलवार सिर पर लटकी रहना, है ना, तो भयंकर खतरा बने रहना, जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 92 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ गए, साफ साफ समझ में आ रहा है यहां पर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको 93 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। वाक्य क्या दिया गया है, वास्तव में
ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं स्वतंत्र उत्पन्न किया, यहां पर ता नहीं होगा तो इसमें त्रुटि है, यहां पर स्वतंत्र होना चाहिए था, स्वतंत्र सिर्फ। तो गलतियां मिल गई आपको इस भाग में है, ये भाग आपका बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 93rd का बी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए, यह भी त्रुटि वाला है। क्या दिया गया है, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। का प्रयोग कर दिया गया है, गलत कारक का प्रयोग किया गया है ना, तो ये वाला आपका त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण आपके ढूंढिए, वृक्ष पूजन का सी में दिया गया है, तो 94 का उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद शब्द इसे प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है, कई लोग उसके पीट रहे थे। देखिए यहां पर क्या होगा, कई लोग उसे पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो यहां पर इसमें त्रुटि है, और इसके बदले किसको लाएंगे, उसे वाले ना, उसे वाले ढूंढिए, आपके दो हैं तो ये आपके कैंसिल हो गए। अब इस दो में ढूंढिए, उसे पीट रहे थे, जो कि बी में दिया गया है, और ये बिल्कुल सही है, पीट रहा था नहीं होगा, ये आपका त्रुटिपूर्ण हो गया। तो सही क्या हो गया, यहां पर 95 का बी वाला उत्तर जो है वह आपका सही हो गया, इसलिए 95 का बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 96 दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहां पर दिया गया है परोक्ष, तो परोक्ष का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइए। परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष, है ना। परोक्ष मतलब होता है अनुपस्थित रहते हैं तब तो कोई कुछ बोलता है, और प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सुना है ना, जब चीजें सामने घटित हो रही होती है तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो चीजें आंखों से देखी जाती है, लेकिन परोक्ष जो है वह कानों से सुना जाता है। ठीक है, तो 96 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, परोक्ष का विलोम आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 97 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, और यहां पर संस्कार दिया गया है, संस्कार ये ढूंढना है, संस्कार बिल्कुल सही है, संस्कार हो गया, संस्कार। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 97 का बी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए, 98 दिया गया है, बादल, बताइए जल्दी से। बादल का मेघ होता है, ठीक है, घन होता है, नीरद होता है, अम्बुद होता है, वारिद होता है, पयोद होता है, जलद होता है, ठीक है ना, पयोद, जलद इत्यादि, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। इनमें क्या दिया गया है, देखिए घन दिया गया है, आपने पढ़ा होगा घनघोर घटाएं छाई है, ठीक है, मतलब आकाश में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, तो घन हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा, 98 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखते हैं, 99 दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या दिया गया है, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, करती है, त्रुटि वाला मिल गया आपको ये ना, मांग करती है। उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, बहुत ही आसान थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रंगीन या रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है, चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है, सभी जगह देखना, चांदी हथकड़ी की यहां पर क्या होगा, काली पड़ जाती है, बहुत ही आसान है, यहां पर काली पड़ जाती है, ये आपको ढूंढना है। हथकड़ी कालियां, गलत हो गया, काली पर जाता है, गलत हो गया, काली हथकड़ी काला, गलत हो गया, हथकड़ी काली पड़ जाती है, ये वाला बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, 100 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का प्रश्न जो कि ये रहा, आंखों में खून उतरना, ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है,
ये आज का प्रश्न है। और इसके साथ आज आपका पांचवा सेट जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहा हूं, और इससे पुराने भी देखने चाहते हो तो 10 सेट और हो रखा है, मतलब 10 प्लस 5 अर्थात 15 सेट हिंदी के हो रखे हैं, और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सारे SSC GD के एग्जाम के हैं। 2011 से लेकर 2011 से लेकर 2018 तक जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं को कराया जा रहा है, और यही पूछे भी जाएंगे, इनसे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हिंदी में चीजें घूमती रहती हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, तो आपको मैं इस प्रकार से पूरा का पूरा मजबूत कर दूंगा, और जितना हो सकेगा मैं आपको सेट लगवाता रहूंगा। अभी मैंने पांचवा लगा दिया है, अब चैप्टर वाइज जो वीडियोस दे रहा था उसके 2-3 क्लासेस दूंगा, फिर आपको सेट लगवाऊंगा, ठीक है? तो यदि आपको और भी सेट लगाने हैं तो आप उन 10 वीडियोस को देख सकते हैं, कुल आपके 15 सेट हो जाएंगे, काफी होता है, और फिर मैं आपको और भी सेट लगवाने वाला हूं, तो बहुत मजा आएगा। बने रहिए चैनल पे, वीडियो अच्छी लगी तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, आजकल सिद्धि मैम जो है GK की क्लासेस ले रही हैं, और आपको क्या पढ़ना है, क्या अच्छा लगा, ये सब आप कमेंट बॉक्स में उनके वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चे उस पे इंटरेस्टेड हैं, और जो मैम पढ़ा रही है वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो मैडम की वीडियोस जरूर देखा करें, और मुझे भी जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आप लोग को वीडियोस देता रहूंगा, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।